हेलो टू एवरीवन। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट द कोल। कोल मतलब कि कोयला। कोयले को हम कहते हैं दैट इज द ब्लैक गोल्ड, काला सोना भी बोलते हैं। इसके बाद आता है कि ये कैसे प्राप्त होती है, कौन सी रॉक से मिलती है। तो जो रॉक्स होती है, मैंने तीन रॉक्स बताई थी, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फस। तो ये सेडिमेंट्री रॉक से मिलती है, वो होती है अवसादी चट्टाने, आग्नेय, अवसादी और कायंत्रित। पर सेडिमेंट्री रॉक्स कहां से बनती है, कहां से, मैंने बताया था इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टानों से बनती है। ये चीज क्लियर है। यहां तक होने के बाद मैं नेक्स्ट थिंग पर बात करता हूं कि कोयले में क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो कोयले में सबसे पहले होता है दैट इज द कार्बन। कार्बन की क्वांटिटी होती है, वही कोयले की ग्रेड डिसाइड करती है। जितना ज्यादा कार्बन उतना कोयला अच्छा, जितना ज्यादा कार्बन उतनी ग्रेड अच्छी और उतना ही बेटर कोल। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है कि जितना ज्यादा कार्बन उतनी अच्छी ग्रेड, उतना अच्छा कोयला। और बेटर कोयला मतलब पोल्यूशन कम होगा, समझ लो। कोई भी चीज पोल्यूट नहीं करती है, पोल्यूशन नहीं करती है, और अपनी एफिशिएंसी मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या देती है अपने को, हीट। जो ज्यादा से ज्यादा हमें हीट दे दे वो बेटर चीज होगी। और जो जितना ज्यादा कार्बन उतनी ज्यादा ग्रेड, उतना अच्छा कोयला, उतना कम पोल्यूशन, उतनी ज्यादा हीट। कंसेप्ट क्लियर है? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज मोस्टली यूज फॉर पावर जनरेशन एंड मेटलर्जी। कोयले का यूज होता कहां है? आपको कह सर लकड़ी, वुड, लकड़ी को जला दिया उससे बना कोयला, नहीं वो कोयला अलग है, वो कोयला नहीं। ये कह रहा कि ये जो कोयला होता है जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ये पावर जनरेशन में यूज करते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कोल के जो रिजर्व होते हैं ना, कोल रिजर्व, ये जो ऑयल रिजर्व होते हैं उससे 5 से 6 गुना बड़े होते, इज लार्जर देन ऑयल रिजर्व। जो तेल के होते हैं रिजर्व, उनसे काफी ज्यादा बड़े होते हैं। और कोयला बनता कैसा, कोयला कैसे फॉर्म्ड होता है, इस चीज को ध्यान से समझना। अब जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं इसको ध्यान से समझना, काफी कंसेप्चुअल चीज है और इतना कोई भी डिटेल में डिस्कस नहीं करता। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी डिटेल में इतना बताना नहीं चाहता। तो टॉपिक है अपना दैट इज द हाउ कोल इज फॉर्म्ड, कोयला कैसे बनता है, कोयला कैसे बनता है, ध्यान से सुनना। ये कहता है कि मिलियन ऑफ ईयर अगो डेड प्लांट मैटर फेल इनटू स्वैम्पी वाटर। समझ लो, मैं पिक्टोरियल व्यू से बताता हूं, डायग्राम बना के। ये है अपने पेड़ पौधे, ठीक है, ये क्या अपना प्लांट, ठीक है, प्लांट वाली फील आ रही है, ये ले लो, ठीक है, ये फिर से एक ट्री, ये फिर से अपने प्लांट हो गया, ठीक है, ये प्लांट, और ये अपना नीचे की साइड में हो गया, ये है अपनी लैंड, दलदली वाटर। दलदली वाटर मतलब समझ रहे, थोड़ा बहुत पानी, थोड़ी बहुत मिट्टी, ठीक है। यहाँ पे लैंड में ये वाटर H2O वाटर भी है प्लस लैंड भी है, ठीक है, दलदली वाटर मतलब, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं स्वैम्पी सरफेस, स्वैम्पी सरफेस, ठीक है। तो ये कह रहा है कि समझना कि मिलियन ऑफ ईयर अगो, बहुत सालों पहले क्या हुआ था कि डेड प्लांट, ये जो प्लांट है ना, ये डेड हो गई, ये मृत हो गई, ये क्या करते थे, टूटते। देखो हर चीज की एक लाइफ होती है, ध्यान से समझना। तो ये पेड़ पौधे क्या हो गए, इनकी लाइफ पूरी हो गई भैया, आप जाने के दिन आ गए। तो ये क्या हुआ कि ये डेड प्लांट क्या हुआ, पत्तियां गिर गई, प्लांट की वुड गिर गई, मतलब ये टूट टूटा के नीचे आ गए, ठीक है। ये था अपने स्वैम्प वाटर, दलदली क्षेत्र, तो यहां पर अंदर गिर गए और इसके अंदर क्या हो गए, दफन हो गए, ठीक है। फिर कहता है कि थिक लेयर ऑफ डेड प्लांट, अब ये गिर गए तो इसे से इनकी लेयर बन गई। अब जैसे जैसे टाइम निकलता गया तो मिट्टी ऊपर आती गई, डस्ट वगैरह, वाटर आता गया, तो ऐसे लेयर बाय लेयर ऊपर वाटर, स्वैम्प वाटर की लेयर इस पर बनती गई, ठीक है। और कुछ मिट्टी गिर गई तो धीरे धीरे जो पुरानी लेयर होगी वो नीचे दबती जाएगी, नई लेयर ऊपर आती जाएगी। तो ऐसे क्या हुआ कि बहुत टाइम होता गया और ये नीचे दबती गई, और नीचे दबने के बाद एक स्टेज आई, समझना, एक स्टेज आई जहां पर ये क्या हो गई, इसमें से ऑक्सीजन बाहर जाना स्टार्ट हो गई, ठीक है। इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन जाने बाहर हो गई स्टार्ट, ऑक्सीजन बाहर चली गई, और यहाँ पर क्या हुआ, बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर लगा अर्थ के अंदर, हीट और प्रेशर बढ़ गया। क्योंकि देखो आपके सर पर 1 किलो का भार रख दिया, फिर 10 किलो का रख दिया, 100 किलो का रख दिया, जैसे जैसे वेट बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना आपके सर पर। वैसे ही इस लेयर पर क्या हुआ था कि ये प्लांट वगैरह नीचे आ गए, ठीक है, मैंने ब्लू प्लांट है, ब्लू ये नीचे आ गए और बहुत सारी लेयर ऊपर आती गई, आती गई, आती गई, और ये नीचे क्या हो गए, दबने लग गए। तो इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई तो वैसे ही बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन बाहर जाने लग गई और हीट और प्रेशर ज्यादा था, तो ये किसमें, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया।
हाइड्रो प्लस कार्बन, दैट इज द हाइड्रोकार्बन, आपने चैप्टर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो ये क्या हुआ कि हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया और हाइड्रोकार्बन धीरे धीरे कोल की फॉर्म में आने लग गया, ठीक है, धीरे धीरे कोल की फॉर्म में आने लग गया। तो पॉइंट क्लियर हो गया, कोयल कैसे बना, तो कोयल बनने का कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर स्वैम्पी सरफेस था, स्वैम्पी वाटर का एरिया था, पेड़ पौधे बहुत सारे थे, इनकी लाइफ टाइम, इनकी लाइफ लाइन खत्म हो गई, या फिर कोई भी डिजास्टर आ गई, मान लो पेड़ पौधे टूट टूटा के नीचे गिर गए, अब गिर गए ऊपर बहुत साल निकलते गए, मिट्टी जमती गई, पानी आता गया, मिट्टी जमती गई, ऐसे बहुत सारी इस पे ऐसे लेयर बनती गई, और लेयर पर लेयर बनती गई तो नीचे वाली लेयर पर ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लग गई, मतलब जितनी भी ऑक्सीजन थी वो भी बाहर चली गई। अब जमीन के अंदर जाओगे तो आपको ऑक्सीजन मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी यार, ये भी कोई पूछने वाली बात है। तो बस वहां पर हीट बढ़ गई, अरे भाई जितना धरती के अंदर जाओगे तो गर्मी तो लगेगी, तो हीट बढ़ गई, प्रेशर बढ़ गई, इसलिए यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो गई। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने से हाइड्रोकार्बन बनने लग गया और फाइनली इट कन्वर्टेड इनटू कोयल। क्लियर है, यहां तक क्लियर है? ओके, नाउ कम टू द टाइप ऑफ द कोयल। कोयल को चार तरीके में डिवाइड किया, कोयले को चार तरीके से डिवाइड किया। Coal are divided into four types, that is the peat, lignite, bituminous and anthracite. Peat, lignite, bituminous और fourth one, that is the anthracite. Here is a four grade of the coal. कोयले की चार grade होती है, peat, lignite, bituminous और anthracite. तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट में डिफरेंस क्या होगा, इनकी ग्रेडिंग कैसे की गई? तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द कार्बन, कार्बन की क्वांटिटी पे डिपेंड होगा, ठीक है। तो पीट है, होता है, दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट स्टेज में जो कोयला बनेगा दैट इज द पीट, ठीक है। और इसमें अगर मैं कार्बन कंटेंट की बात करता हूँ, कार्बन की मात्रा, तो ये होती है 40 to 55% कार्बन होता है, ठीक है। और इसमें क्या कहता है कि मॉइस्चर बहुत ज्यादा होती है, और किसी चीज लकड़ी को आप गिल्ला करके जलाओगे तो वो अच्छे से जलेगी क्या? नहीं जलेगी। तो इसमें मॉइस्चर इज हाई, मॉइस्चर क्वांटिटी भी इसमें क्या होती है? हाई, ज्यादा होती है। पॉइंट क्लियर है? और मॉइस्चर ज्यादा होगी तो इसमें क्या होगी? अच्छे से नहीं जलेगी, एस वगैरह बन जाएगी, ठीक है, लोट ऑफ एस इज फॉर्म्ड इन दिस। अब बात करता हूं दैट इज द लिग्नाइट, ध्यान से सुनना, दैट इज द लिग्नाइट, ये होता है ब्राउन कोल, भूरे कलर का होता है, दैट इज द ब्राउन कोल, ये होता है भूरे कलर का ब्राउन कोल। पॉइंट क्लियर है? ये होता है अपना ब्राउन कोल, ठीक है। तो ध्यान से सुनते रहना, पॉइंट क्लियर करते रहना। और इसमें जो कार्बन का परसेंट होता है ये भी होता है 40 to 55%, लगभग 40 से 55, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, 40 से 55, चलो 60 मान लो, 40 से 60% इसमें कार्बन क्वांटिटी होती है। लेकिन इससे पीट से थोड़ा सा अच्छा है, पीट से थोड़ा सा अच्छा है। और ये तो फर्स्ट स्टेज है, ये इंटरमीडिएट स्टेज है, पीट लिग्नाइट इंटरमीडिएट है, ठीक है। और ये कह रहा मॉइस्चर कंटेंट इसमें भी ज्यादा होता है, इसमें भी मॉइस्चर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसलिए ये भी अच्छे से नहीं जल पाता है, ठीक है, ये भी अच्छे से नहीं जलता है, तो बेड कंडक्टर है। फिर आता है दैट इज द पीट लिग्नाइट और बिटुमिनस कोयल, ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है, बिटुमिनस क्या होता है? सॉफ्ट कोयल, ठीक है। और सबसे ज्यादा अवेलेबल है, widely used and available, सबसे ज्यादा bituminous coil आपने available है, ठीक है। अब यहां पर कार्बन की कंटेंट बताऊं तो ये 40 से 80% होता, और मैंने बताया कार्बन की कंटेंट अगर बढ़ जाएगी तो उसकी ग्रेड बढ़ जाएगी, मतलब ये अच्छे से चलेगा, तो इसमें क्या होगा, जो एस वगैरह होगी वो कम होगी, ठीक है। तो इसका जो कलर होता है ये होता है लगभग ब्लैक टाइप का होता है, ब्लैक कलर में होता है, ठीक है। और ये कह रहा है मॉइस्चर एंड वोलेटाइल कंटेंट ये भी 15 से 40% होता है, ज्यादा मॉइस्चर नहीं होती है इसलिए अच्छे से जल जाता है, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और ये यूज होता है कोक और गैस बनाने में, ठीक है, कोक और गैस बनाने में। कोक का नाम आपने सुना होगा, मैं फिर कभी डिस्कस कर दूंगा, अभी टाइम नहीं है लेक्चर में, तो वन बाई वन जो मेन कंसेप्ट है वो देखते जाओ, फिर अपना बात करेंगे। दैट इज द लास्ट वन, दैट इज द एंथ्रासाइट। अब एंथ्रासाइट किस टाइप का कोल है, तो ये है सबसे पहले ध्यान से सुनना, ये हार्ड होता है, एंथ्रासाइट जो कोल होता है ये होता है हार्ड। सेकंड आता है इसमें जो कार्बन परसेंट होता है, मैंने क्या बताया जितना ज्यादा कार्बन उतना अच्छा कोयला, 80 to 95% कार्बन होता है, आपको याद रखना इनकी क्वांटिटी कार्बन का, मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा हूं, इनको याद रखना, ठीक है। तो कार्बन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी एंथ्रासाइट में, ठीक है। और वोलेटाइल जो मेटेरियल होगा, वोलेटाइल मैटर, ये बहुत कम होता है, वोलेटाइल मैटर की क्वांटिटी बहुत कम होती है, अभी तक जो बढ़ रहे थे बहुत ज्यादा थी, इसमें वेरी वेरी लेस,
बहुत कम, 2-4-5% होगी, ठीक है। ओके अब ये कह रहा है इग्नाइट स्लोली एंड बर्न विद नाइस शॉर्ट ब्लू फ्लेम, ये कह रहा है धीरे धीरे जलेगा, शुरू में जलाएंगे तो धीरे जलेगा लेकिन ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा और इसमें कोई भी एस नहीं बनेगी, ठीक है, इसमें कोई भी एस नहीं बनेगी। एक आता है एलपीजी गैस, जो एलपीजी आती है ना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, फुल फॉर्म लिख लेता हूं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये भी एंथ्रासाइट कोल, यही प्रोसेस है, इसी से बनता है। यहां तक कोई इश्यू रखना ही नहीं है, ठीक है। तो पीट लिग्नाइट बिटुमिनस और एंथ्रासाइट का आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और कह रहा कि कोल का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कहां है, ठीक है, कौन से कोल फील्ड इंडिया में, तो दैट इज द गोंडवाना कोल फील्ड, टर्शियरी कोल फील्ड, ये सारे अपने इंडिया में सिचुएटेड है। ओके तो ये कह रहा है फर्स्ट कोल माइन वाज ओपन इन 1774 एट रानीगंज इन वेस्ट बंगाल, ये याद रखना कि वेस्ट बंगाल के रानीगंज में सबसे पहली कोल माइन बनी थी, वेस्ट बंगाल के रानीगंज में सबसे फर्स्ट कोल फील्ड बनी थी 1774 में। इस चीज को याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और मोर देन सफिशियंट है, इतना मैंने बता दिया, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अभी जो इंडिया है ना कोल प्रोड्यूसर में थर्ड नंबर पे, फर्स्ट पे है अपना चाइना, अपना तो क्या बोलूं, लेकिन बोल दो सेकंड है यूएसए और थर्ड नंबर पे है दैट इज द इंडिया। तो यहां तक आपको कोयले के बारे में बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, जितने भी नोट्स मैंने बताए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा, काफी अच्छा है। कोयले के बारे में बता दिया कि कोयला क्या होता है, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। फिर मैंने कोयले के बारे में बताया क्या होता है, कार्बन होता है, वोलेटाइल कंपोनेंट होता है, सब चीज बता दी। और कोयले के बारे में मैंने एक चीज भी क्लियर की थी कि सारा कार्बन का खेल है, किसका, कार्बन का खेल है। फिर चार स्टेज बता दी थी, पीट लिग्नाइट बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, कार्बन की रेटिंग धीरे धीरे नीचे आएंगे तो बढ़ती जाएगी, तो एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट कोयला है, सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर ली, ध्यान से सुनना, ध्यान से नोट्स बना लेना और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि और भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास आते रहे। थैंक यू सो मच।